टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में जब से मल्लिका सिंह ने राधा रानी का रोल प्ले किया है, तब से उनकी इमेज मानो एक सावित्री, एक साफ सुथरी जैसी एक महिला की छवि बन चुकी है। या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि मल्लिका ने अब तक की जर्नी में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और मेन लीड के तौर पर इसी शो में काम किया है, जिसे देखकर के सभी लोगों ने उनकी इमेज अपने दिल और दिमाग में एक काफ़ी शरीफ और एक पॉजिटिव वाली लड़की की बना ली है। और इसका रिपल्कशन ये हुआ है कि रिसेंटली मल्लिका सिंह को स्पॉट किया गया था एस्केप लाइफ में श्रीनी की परफॉर्मेंस प्ले करते हुए, जिसमें उन्होंने दिया था एक किस सीन। और इस किस सीन को देख करके ऑडियंस के तो मानो होश ही उड़ गए। दरअसल मल्लिका से ऐसा कुछ किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया है, लेकिन बतौर आर्टिस्ट, बतौर एक एक्ट्रेस की देखा जाए तो आजकल के सीन्स के डिमांड के चलते ये कोई बड़ा सीन भी नहीं है। सिर्फ मल्लिका ने एक किसिंग सीन ही दिया है, जिस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ भी हो रही हैं। इतना ही नहीं, जहां कुछ लोगों ने सुमित मुदगलकर का नाम लेकर के उन्हें टैग करके कहा कि ज़रूर सुमित का ये सीन देख करके तो दिल ही टूट गया होगा, तो कुछ ने मल्लिका से ऐसी उम्मीद ना होने की बात को कहते हुए उनके इस रोल पर आपत्ति जगा रही है। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि मल्लिका और सुमित का ऑफिशियल कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक एक्टर के तौर पर अगर आप कोई साफ सुथरी छवि वाला रोल करते हैं तो क्या उसके ऑपोजिट किसी और प्रोजेक्ट में आप इस तरीके का कुछ कर नहीं सकते? क्या फिर मल्लिका की ये जो बोल्ड किसिंग सीन है आपको भी प्रॉब्लमेटिक लग रही है? अपनी अपनी राय कॉमेंट ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।